लीनियर मोमेंटम, ठीक। न्यूटन सेकेंड लॉ को जानने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ठीक। तो ये जो लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं हम, जैसे सपोज दैट, कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट कि कोई ऑब्जेक्ट है, हमने एक लाइटर ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास आपका जो है मान लीजिए कि 5 kg, और एक हैवी ऑब्जेक्ट ले लिए जिसका जो है आपका 10 kg मास है, ठीक। इसको और लाइटर कर देते हैं, 2 kg कर लेते हैं, ठीक, बात समझ में आ रहा है। और दोनों जो है सेम वेलासिटी से मूव कर रहा है, मान लीजिए ये जो मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पर, इसकी वेलासिटी है 10 m/s, ठीक ना, 10 m/s, और इसकी जो वेलासिटी है वो भी जो है 10 m/s है। तो अब बताइए, हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट को रोकना है, इधर से मूव करते हुए आ रहा है मेरी तरफ, दो फोर्स लगा के रोकना है, और ऐसा फील करना है, क्या हमें मेजर करना है कि किसको रोकने में ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी है, किसको रोकने में कम फोर्स की जरूरत पड़ी है। तो जब आप ऐसे रोकेंगे और आप ऐसे ब्रेक लगा कर रोकेंगे ऑब्जेक्ट को, तो आपको कैसा फील होगा, किसको रोकने में फोर्स की जरूरत पड़ेगी ज़्यादा, किसको कम, हाँ 10 kg वाली को क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगा कर रोकना पड़ेगा, जबकि वेलोसिटी दोनों का क्या है, सेम है। इसका मतलब कि जो फोर्स लगाया जा रहा है ऑब्जेक्ट पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, फोर्स किसको पड़ेगा भाई, दोनों 10 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स और कम मास का ऑब्जेक्ट रोकने के लिए कम फोर्स, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, ये तो कह सकते हैं ना। अब चलिए, अब नेक्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं। मान लीजिए इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास को सेम कर देते हैं, 10 kg कर दिया जाए दोनों को, मास सेम कर और वेलासिटी को, इस बार इस वेलासिटी को डिफरेंट करते हैं, मान लीजिए इसको हम कर दे रहे हैं 25 m/s, और इसकी वेलासिटी को हम कर दे रहे हैं 10 ही रहने देते हैं, 10 m/s, ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन में मैंने क्या किया, किसको सेम किया, मास को सेम कर दिया, वेलासिटी को डिफरेंट कर दिया। अब दोनों वही दो ऑब्जेक्ट उसी दम दम आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, और उन दोनों को रोकना है। तो अब हमें इस केसेस में जो किसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ ये वाला 25 m/s, मतलब कि उसकी वेलासिटी ज़्यादा है तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स, और उसकी वेलासिटी कम है तो रोकने के लिए कम फोर्स। मतलब अगेन यू कैन से दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलासिटी ऑफ द बॉडी हैविंग सेम मासेस। अगर दोनों का मास अगर सेम होगा तो फोर्स क्या होगा, वेलासिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक, वेलासिटी के। और इन दोनों अगर क्वांटिटीज़ को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो एक नया टर्म जनरेट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम, ठीक ना। तो इसलिए मास और वेलासिटी, अगर किसी बॉडी के मास और वेलासिटी को हम प्रोडक्ट कर दें तो जो नया टर्म डिफाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल टू हो जाता है पी इक्वल टू एम इनटू वी, जो मास और वेलासिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, बात समझ आया। तो लिखते हैं मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बॉडी क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलासिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर मास क्या है, मास क्या है स्केलर, और वी क्या है वेक्टर, ठीक ना। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमें मोमेंटम मिलता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक। अगर इसके हम यूनिट निकालें, यूनिट तो क्या होगा, मास की यूनिट केजी और वेलासिटी की मीटर पर सेकेंड, तो कह सकते हैं ये केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ द। अब आप लोग इसका बताइए डायमेंशन कितना होगा। तो डायमेंशन में हम क्या देखेंगे, देखिए क्या है, ये डायमेंशन निकालेंगे तो मैंने कई बार आपको बताया है, ये क्या होता है केजी, क्या होता है एम, ये क्या है मीटर है भाई, तो एल, और टाइम है ना तो क्या हो जाएगा, मतलब सेकेंड क्या होगा टी होगा, तो हो जाएगा एम एल पावर वन, और ये ऊपर जाएगा तो टी पावर
माइनस वन हो जाएगा क्या, हम लिख सकते हैं एम एल टी पर माइनस वन, ये डायमेंशन हो जाएगा इसका। पता नहीं आप लोग कहाँ से जीरो कोई बता रहा था, कोई आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपका उनका दोनों का सही था। ठीक, हमने ले लिया दो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट ले लिया और दोनों का मास जो है सेम है, m1 है और इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, और ऐसा सपोज करके चला जाएगा कि v1 इज ग्रेटर देन v2, यानी v1 फर्स्ट, ये a ऑब्जेक्ट है, ये b ऑब्जेक्ट है, a की वेलोसिटी v की वेलोसिटी से क्या होगा, b की वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। तो अगर इसका मोमेंटम निकालेंगे तो p1 इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, अपने आप अभी आपने देखा यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू v1। इसकी वेलोसिटी निकालें, मोमेंटम निकालेंगे तो p2 इज इक्वल टू क्या लेते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, दोनों का हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, p1 बाई में p2 इज इक्वल टू m v1 बाई में क्या होगा, m v2 कट जाएगा तो क्या हो गया, v1 बाई में v2। इसका मतलब अगर p1 ज़्यादा होगा तो v1 ज़्यादा होगा तो p1 भी ज़्यादा होगा, v2 कम होगा तो p2 भी क्या होगा, कम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इफ़ v1 इज ग्रेटर देन v2 देन क्या हो जाएगा, देन P1 इज ग्रेटर देन P2, यानी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगा अगर इससे तो ये का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा B के मोमेंटम से, ठीक ना। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आया, कब, अगर मास दोनों का सेम हो तब, क्योंकि मैंने मास को सेम रखा है, वेलोसिटी के आधार पर इसका कंपेरिजन किया है कि अगर दो ऑब्जेक्ट का मास सेम है और वेलोसिटी डिफरेंस है तो जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा, और जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगा उसका मोमेंटम कम। जैसे कि आपने अभी यहाँ देखा कैसे हमने ड्राइवेशन के द्वारा इसको प्रूव किया कि v1 अगर ज़्यादा है तो v1 मतलब इसका मोमेंटम p1 भी ज़्यादा आ रहा है, और v2 कम है तो इसका मोमेंटम p2 क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक, अब हम लेके चलेंगे कि अगर मास डिफरेंस हो और वेलोसिटी सेम हो तो क्या कंडीशन बनता है। ठीक, नोट करिए इसको, तो आगे बताते हैं। ठीक, अब अगर यहाँ से आप ग्राफ बनाएंगे, अगर आप ग्राफ बनाते हैं क्या, ऑब्जेक्ट का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, मोमेंटम मास को कांस्टेंट रखा जाए और उसके वेलोसिटी और मोमेंटम अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक, वी हम एक्स एक्सिस पर ले लेंगे और मोमेंटम को अगर हम वाई एक्सिस पर ले लेंगे, चूँकि मास तो कांस्टेंट है, ठीक, तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनाएगा, ये स्ट्रेट लाइन मिलता है, ये स्ट्रेट लाइन किसको शो करता है, मास को शो करता है। तो बॉडी का मास मेरा सेम रहेगा, अगर बॉडी की वेलोसिटी यहाँ है तो मोमेंटम यहाँ होगा, थोड़ा वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मोमेंटम में क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा, थोड़ा और वेलोसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो मोमेंटम क्या होगा मेरा, बढ़ जाएगा, लेकिन उसका मास क्या रहेगा, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक, तो इस केसेस में अगर हम वेलोसिटी और मोमेंटम में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें दिखेगा, जो क्या होता है, ओरिजिन से होता है, वो हमें स्ट्रेट लाइन पास करेगा। मास तो हमने चेंज ले रखा है ना बॉडी का, अभी अगले केस में हम क्या करेंगे, मास को डिफरेंट रखेंगे। ग्राफ में मास कहाँ बढ़ रहा है, बॉडी का मास भी यही है, यहाँ है, मास तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही है ना आपका, मास में कहाँ डिफरेंस हो रहा है, मास में तो कॉन्स्टेंट है हमें बस। अच्छा, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट ये शो कर रहा है, जैसे आपने एक्स एक्सिस पर कोई क्वाड्रेंट आप ऐसे लिखते हैं कि अगर ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है यहाँ पर, अगर एक्स और वाई हो गया तो इसका मतलब क्या, कि ये वाला आपको एक्स डिस्टेंस शो करता है और ये वाला आपका वाई डिस्टेंस करता है। तो अगर यहाँ पर रहेगा ऑब्जेक्ट तो ये एक्स वाई डिस्टेंस बताएगा ना, मास को थोड़े बताता है वो, अगर यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, इधर से वेलोसिटी का डिस्टेंस बताएगा, इधर से मोमेंटम का डिस्टेंस बताएगा, यहाँ पर जाएगा इधर से वेलोसिटी का बताएगा, इधर से मोमेंटम का बताएगा। मास तो हमारा सीधे स्ट्रेट लाइन पर जाए तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। बात समझ में आ रहा है, तो इस केसेस में क्या है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम भी हमारा बढ़ेगा। केस नंबर 2, कि यदि बॉडी का जो है वेलोसिटी सेम ले लिया जाए और उसका मास जो है डिफरेंट हो, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मास अगर डिफरेंट हो तो क्या कंडीशन हमारा बनता है। हमने क्या किया कि एक का मास ले लिया m1 और एक का मास m2 और दोनों जो है सेम वेलोसिटी v से जा रहे हैं, तो अगर इसका मोमेंटम निकालेंगे p1 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 v, और इसका मोमेंटम निकालेंगे p2 इज इक्वल टू तो m2 v होगा, और दोनों को डिवाइड करेंगे p1 बाई में p2 इज इक्वल टू तो m1 v बाई में m2 v होगा, यहाँ से बन जाएगा m1 बाई में m2, और यहाँ पर अगर कंडीशन हो कि m1 इज ग्रेटर देन m2, इसका मास अगर इसके मास से बड़ा हो तो जब मास बड़ा होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मास छोटा होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। तो कह सकते हैं कि इफ़ m1 इज ग्रेटर देन m2 देन क्या कंडीशन बनता है, p1 इज ग्रेटर देन p2,
तो इसका मतलब जो हमारा कंडीशन बनता है कि पी वन भी क्या होगा, पी टू से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और मास कम है तो मोमेंटम किस कंडीशन में, जब वेलासिटी मेरा कॉन्स्टेंट रहे। बात समझ में आ रहा है? अब इस केस में भी अगर आप ग्राफ बनाते हैं यहीं पर, अगर इस केस में अगर आप ग्राफ बनाते हैं इसके, तो फिर वही कंडीशन मिलेगी क्या, यहाँ वेलासिटी हो जाएगा, यहाँ मोमेंट, यहाँ पर मास हो जाएगा। इसमें हम किसके किसके बीच कौन कौन सी वेरी कर रहा है, इसमें मास और मोमेंटम यही दोनों वेरी कर रहा है ना, वेलासिटी तो कांस्टेंट है। इस वाले केस में दोनों का मास अलग अलग है तो मास वेरी कर रहा है, दोनों का मोमेंटम अलग अलग है तो मोमेंटम वेरी कर रहा है। तो ग्राफ हम किस पे बनाएंगे, मोमेंटम और मास में ग्राफ ड्रा करेंगे, क्योंकि वेलासिटी तो कांस्टेंट है। तो इसलिए जो हमारा स्ट्रेट लाइन मिलेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, ये दिखाएगा कि मास अगर यहाँ पर है तो मोमेंटम यहाँ पर होगा, मास को थोड़ा हम बढ़ा दिए यहाँ कर दिए तो मोमेंटम भी मेरा क्या होगा इंक्रीज कर गया, मास को थोड़ा और हम इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी मेरा क्या होगा इंक्रीज करेगा, बट वेलोसिटी क्या रहेगा उसका सेम रहेगा। तो अगर इस केसेस में भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। ठीक, क्या कंडीशन बनता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का मोमेंटम सेम हो बट मास और वेलोसिटी सेम ना हो। ठीक, अगर कंडीशन हम ये लेके चलें कि बॉडी का लीनियर मोमेंटम सेम हो, एक का मास आपका क्या हो m1 हो, दूसरे का मास आपका m2 हो, इसकी वेलोसिटी आपका v1 हो, इसकी वेलोसिटी v2 हो, बट दोनों का मोमेंटम सेम हो, m2 is equal to m1 is equal to m2, तो क्या लेके चलेंगे, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1, इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 v2। तो यहाँ से क्या कंडीशन बनेगा, m1 by में m2 इसके, और ये v2 by में v1। ठीक, तो अब क्या होता है कि अगर बॉडी का मोमेंटम सेम होता है, ठीक, तो अब इसके मास जो होता है दोनों का एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब एक का मास ज़्यादा होगा तो दूसरे का मास क्या हो जाएगा मेरा उससे कम हो जाएगा, और एक का वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो दूसरे का वेलोसिटी क्या होगा कम होगा, तभी जाकर लीनियर मोमेंटम क्या होगा हमारा सेम होगा। ठीक, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि m1 is greater than m2, अगर m1 ज़्यादा है m2 से तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, v1 is less than v2, इसकी वेलोसिटी से कम होगा तो क्या होगा मोमेंटम दोनों का आपस में क्या होगा सेम होगा। ठीक ना, अगर यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं दोनों के बीच तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है ऐसे, कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम क्या होगा मेरा, मतलब मास क्या होगा मेरा कम हो जाएगा। ये मास और वेलोसिटी में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, मास और वेलोसिटी में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो मास क्या होगा मेरा कम। देखिए ये वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम शो कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है मास क्या शो कर रहा है, मिनिमम शो कर रहा है ना। मैंने वेलोसिटी को थोड़ा कम किया यहाँ किया तो मास मेरा थोड़ा इंक्रीज कर गया, यहाँ से आके यहाँ आ गया बढ़ा। वेलोसिटी को मैंने और कम किया, जैसे मान लिया अगर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो, मास हमारा हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 7, 8 ऐसे करके आपका हो, तो अब मैंने क्या किया था, अगर मेरा वेलोसिटी 10 था तो मास कितना था 1, मास को वेलोसिटी को मैंने 10 से क्या किया 6 किया तो मास कितना हो गया 2, मतलब मास बढ़ गया वेलोसिटी कम हो गया। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर लीनियर मोमेंटम मेरा कम हो, अरे लीनियर मोमेंटम दोनों का अगर सेम हो, ठीक ना, तो एक का मास अगर बड़ा होगा तो दूसरे का मास क्या होगा उससे छोटा, तो जिसका मास बड़ा रहेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी कम होगी, और जिसका मास ज़्यादा कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। यानी m1 अगर ग्रेटर है m2 से तो क्लियर है कि v1 क्या होगा हमारा v2 से छोटा होगा, तब जाके लीनियर मोमेंटम आपस में क्या होगा इक्वल होगा। बस माना, तो एक कंडीशन बनता है कब, जब दोनों का लीनियर मोमेंटम आपस में इक्वल हो जाए। इस रिलेशन को अगर हम देखते हैं m1 by m2 और v2 by v1, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये m1 और v1 में क्या रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है, उल्टा m1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v1। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा तो उसका मास जो है वेलोसिटी से क्या आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी तो दो केसेस में हम देखा मास बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रहा है दोनों केसेस में। थर्ड केस में आपने क्या देखा कि अगर लीनियर मोमेंटम को सेम करना है मुझे तब मास और वेलोसिटी में इनवर्सली रिलेशन हो जाएगा। इसके जैसा नहीं है कि मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, है ना सर। और यहाँ पर भी अगर m2 और v2 में कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ पर भी मास अगर वेलोसिटी में क्या इनवर्सली रिलेशन होता है,
इतना ध्यान रखिएगा, इसलिए ग्राफ हमारा क्या रहा था, कुछ कर्व लाइन आ रहा था जो मैंने अभी ड्रा किया था, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर दो बॉडी का मोमेंटम सेम होता है तो उसके मास में कैसा रिलेशन होता है, मास और वेलोसिटी में इन्वर्सली रिलेशन होता है, ठीक ना। मास जो होता है वेलोसिटी का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तभी बॉडी का क्या होता है, लीनियर मोमेंटम आपस में सेम हो सकता है, ठीक। तो इस टॉपिक को हम यही क्लोज करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन।